आज हम आपको शेल वेल की मोटर का वाइंडिंग डाटा बताएंगे। ये पानी की मोटर है, ये 1 HP की। इसकी जो कोर की लंबाई है ये 2 इंची 7 फुट है, और जो इसका ये कोर डाया है ये है 2 इंची के आसपास। 24 स्लॉट का स्टेटर है ये, और इसके हम वाइंडिंग का डाटा जानेंगे। ये देखिए इस प्रकार है इसकी वाइंडिंग का डाटा। ये शेल वेल पम्प है, ये 1 HP का, 1.5 हॉर्स पावर का। इसमें स्लॉट है 24, कोर लेंथ है इसकी जो स्टेटर की लंबाई है 2 इंची 7 फुट, और जो कोर डाया है इसका आउटर वो है 2 इंची, और जो उसमें जो रनिंग का डाटा गिरेगा 6, 8, 10, 12 फीट पे गिरेगा 25, 26 डबल तार से। ये रनिंग का इसमें 60 टन, 110, 120, 130, यानी कि डबल तार से होगा ये। इसमें हमने 30, 55, 60, 60 गिरनी है। टोटल जो वायर का ग्राम है 500 ग्राम लगेगा हमारा। इसी प्रकार अब हम स्टार्टिंग की तरफ आते हैं। इसमें हम गिरेंगे 30, 90, 90, ये सिंगल तार 25 नंबर से भरा जाएगा। इसमें पिच आएगी हमारी 8, 10, 12, और जो 8 की जो पिच आएगी जो उसमें 6 पे डबलिंग आएगी, ये क्योंकि 2 बार आएगी, एक 6 पे और एक 8 पे। इसमें हम 25 नंबर तार का यूज़ करेंगे। वायर का टोटल ग्राम होगा 300 ग्राम, और दोनों रनिंग स्टार्टिंग का टोटल वायर हमारा होगा 800 ग्राम, और इसमें जो कैपेसिटर होगा हमारा 15 MFD का होगा, और इसमें जो कनेक्टर होंगे आमने सामने होंगे हाई स्पीड में। इस प्रकार ये हो गया, देखो ये कोयला हमारी आमने सामने होगा, इनर से इनर, आउटर से आउटर, इसी प्रकार ये हमारा कनेक्शन होगा, और 15 MFD में कंडेंसर लगेगा, ठीक है जी। और ये मोटर 2800 RPM में होती है, टोटल 2800 RPM, 1 HP की पानी की मोटर आई है, पानी में यूज़ होती है ये, ट्यूबवेल पे, बोरिंग पे, बर्मे पे, ठीक है जी। इसी प्रकार हम आपको अगली वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।